अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं दोबारा से एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे मेथी वाली रोटियाँ। तो उसके लिए हमने लिया है आटा, उसके साथ हमारे पास है दही, और हमारे पास फ्रेश मेथी अवेलेबल नहीं थी तो हमने फ्रोज़न मेथी ले ली है। साथ में हमारे पास है हरी मिर्चें 3 और धनिया। ये जो सब चीज़ें हैं इसको हम दही के साथ ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लेंड कर लिया है दही, हरी मिर्चें, मेथी और धनिए को। और अभी हम इसमें ऐड करने लगे हैं 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं। ये जो क्वांटिटी है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसमें आप सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ही रखें, क्योंकि आपको इस तरह फिर आटे में नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसमें हम ऐड कर रहे हैं आटे में 2 टेबलस्पून ओलिव ऑयल, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसको मिक्स कर लिया है तो अभी हम इस आटे को अपने इस ब्लेंड किए हुए मिक्सचर के साथ गून लेंगे। ऐसे आपने इसको अच्छे से मिक्स करके गून लेना है। आपने एकदम से सारा मिक्सचर ही इसमें ऐड नहीं कर देना, आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। अभी हमने सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर लिया है और हम इसको अच्छे से गून लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आटा हमने गून लिया है तो अभी हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। हमने इसका पेड़ा करके इसका रोटी इसकी बना ली है और अभी हम इसको पकाने लगे हैं। ये वाली जो रोटी है ये हम मक्खन के साथ पका रहे हैं, और जो दूसरी वाली रोटी है वो हम ओलिव ऑयल के साथ बना रहे हैं। अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखें इसका कलर कितना जबरदस्त है। देखें कितनी हस्ता रोटी तैयार हुई है हमारी। इसी तरह आप सब जो बाकी रह गई हैं रोटियां उनको पका लें। माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना जबरदस्त लग रहा है। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, और ये दूसरा पराठा तैयार हो चुका है तो अभी इसको हम उतार लेते हैं, और इसके ऊपर हम डालते हैं मक्खन। हमारे मज़ेदार से मेथी के पराठे रेडी हो चुके हैं। साथ में दही है, मक्खन है। माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है। इसको हमने दही के साथ गूंदा है और ये बहुत हस्ता तैयार हुए हैं। इसको दही के साथ इसलिए गूंदा है क्योंकि जो मेथी होती है वो उसकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए हमने इसमें कोई जिंजर वगैरह भी ऐड नहीं किया, सिंपल नमक और मिर्च ऐड किया है, और इसको दही के साथ सर्व कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से ये पराठे बनाइएगा और ये आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं ये। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।